नमस्कार दोस्तों, मधुवन टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इंस्टाग्राम यूज करते टाइम आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि कई बार आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट देखने को मिलती है, कई बार स्पॉन्सर्ड स्टोरी भी देखने को मिलती है, तो कई बार रील्स स्क्रॉल कर करके देख रहे होते हैं तो बीच में स्पॉन्सर्ड रील्स भी दिखाई देती है। ये होता है इंस्टाग्राम एड, जो कि आपके जैसे नॉर्मल और मेरे जैसे नॉर्मल जो यूजर होते हैं, इंस्टाग्राम यूजर होते हैं, वही इंस्टाग्राम पर एड लगाते हैं। सो आप भी अगर अपना खुद का एड लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हो, आज इस वीडियो पर आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में बताऊंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आप भी अपने किसी पोस्ट, स्टोरी या फिर रील्स पर एड को इनेबल करना चाहते हैं, एड रन करवाना चाहते हैं, तो कैसे करवा सकते हो, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, पूरी बातें इस वीडियो पर आप जानने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना, चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मधुवन टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं आपको वक्त के साथ सोशल मीडिया पर अपडेट रखने की कोशिश करता हूं। ओके, सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम एड है, इसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक डिटेल देना चाहता हूं, जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले तो आपका जो अकाउंट है वो एक प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। जो पर्सनल अकाउंट होता है उस पर एड आप रन नहीं करवा सकते, एड नहीं लगा सकते। दूसरा, आपका जो अकाउंट है वो फेसबुक से लिंक होना चाहिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट। कैसे होगा, कहां से होगा, कैसे चेक करोगे, इंस्टाग्राम को ओपन करो, थ्री लाइन पर क्लिक करो, सेटिंग पर क्लिक करो, यहां अकाउंट के ऊपर क्लिक करो, देन शेयरिंग टू अदर एप्स पर क्लिक करो, देन यहां पर आपको जो है फेसबुक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर ऑलरेडी कर रखा होगा तो कुछ इस तरीके से राइट दिखाएगा, नहीं किया होगा तो वही फेसबुक से कनेक्ट करना ही होगा, तब जाके आप एड को रन करवा सकते हो। तीसरा, आपको अगर एड रन करवाना है तो वो फ्री में नहीं होगा, आपको इंस्टाग्राम को पेमेंट, पैसा पे करना होगा, तब जाके इंस्टाग्राम आपको प्रमोट करेगा, आपकी एड को इनेबल करेगा। तो एड इनेबल करने का आपको बेनिफिट क्या होगा, तो जब आप एड लगाते हो इंस्टाग्राम पर तो जो है आपका जो रील्स होता है, स्टोरी होता है या फिर जो पोस्ट होता है, वो जो आपके फॉलोवर्स नहीं है उन लोगों के पास भी आपका जो पोस्ट है वो जाता है। इससे आपके अकाउंट पर रीच बढ़ने का चांसेस रहता है। आपने कोई लिंक पर जो है प्रमोशन लगाया है तो उस लिंक पर विजिट ज्यादा हो सकते हैं, या फिर बहुत मोर एंड मोर बहुत सारे आपको बेनिफिट होने वाला है जो कि इस वीडियो पर आप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पेमेंट ऐड करना पड़ेगा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर। तो कहां पर पेमेंट ऐड करना होगा, चलो आपको बताता हूं, कितना पेमेंट ऐड करना है वो भी आपको बताता हूं। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो है इस थ्री लाइन पर क्लिक करना है, ठीक है, उसके बाद सेटिंग पर क्लिक कर देना है, देन यहां पर आपको क्रिएटर के ऊपर क्लिक करना है, देन ऐड पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहां आपका इंस्टाग्राम का पूरा जो पेमेंट जो अकाउंट है वो खुल जाएगा, देन पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करो तो वो आपका आ जाएगा। ये वैसे फेसबुक पर लिंक करोगे तभी ये शो होगा, नहीं तो लिंक जो है शो नहीं होगा। जैसे कि मेरा फंड यहां पर आपको दिखा रहा है 205 रुपीज, तो यहां से आप अपना फंड ऐड कर सकते हैं। ऐड फंड्स के ऊपर क्लिक करो तो बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं पेमेंट मेथड, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम या फिर UPI वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको सुटेबल लगो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट कितना करना होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक दिन के लिए आप करना चाहते हो तो आपको जो है कम से कम 250 से 300 रुपीज या फिर 200 रुपीज तक आपको पेमेंट करना होगा। अगर आपका बजट ज्यादा है, आप ज्यादा जो है बहुत बड़ा आपका कैंपिंग लगाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा एड रन करवाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, मैंने बहुत सारे पेमेंट ऐड कर रखे हैं। पेमेंट एक्टिविटी है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके जो ओल्डेस्ट पेमेंट होगी जो आपने कर रखे होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कोई हेल्प चाहिए तो गेट पेमेंट सपोर्ट पर क्लिक करके आपको हेल्प भी मिल जाती है। वैसे कोई चैटिंग हेल्प नहीं मिलेगा, बट कुछ आर्टिकल मिलेंगे जिससे आपकी हेल्प होगी। ओके, ये सारी डिटेल रहेगी, यहां से आप फंड ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, फंड ऐड करने के बाद ही इंस्टाग्राम आपको प्रमोट करेगा। ओके, अब आपको रील्स, मानो आपको रील्स को प्रमोट करना है तो मैं आपको रील्स ओपन करके दिखाता हूं। जैसे मुझे इस रील्स को प्रमोट करना है तो मैं क्या करूंगा, थ्री लाइन पर क्लिक करूंगा, देन यहां पर बूस्ट रील के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब अगर मानो आपको कोई पोस्ट प्रमोट करना है तो पोस्ट पर क्लिक करो, बूस्ट पोस्ट का जो ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करो तो यहां पर भी आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। मानो आपको कोई स्टोरी को प्रमोट करना है तो स्टोरी को ओपन करो, थ्री लाइन पर क्लिक करो, देन ये जो आपका ऑप्शन मिलता है बूस्ट स्टोरी या ये वाला, तो इसके ऊपर क्लिक करो तो जो है आप कुल मिलाकर चाहे स्टोरी हो, चाहे आपका पोस्ट हो या फिर रील्स हो, कुल मिलाकर आप इस वाले पेज के अंदर आ जाएंगे। तीनों मिलाकर आप इस वाले पेज पर आओगे, चाहे आप कहीं से प्रमोशन कर रहे हैं। अब यहां पर आपको दोस्तों थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मतलब
किस हिसाब से आपको जो है बेनिफिट लेना है, आपको मोर प्रोफाइल विजिट, आपको इंस्टाग्राम का विजिट चाहिए तो मोर प्रोफाइल विजिट रखो जो कि आपके इस अकाउंट पर विजिट रहेंगे, मोर वेबसाइट विजिट आप जो बायो में लिंक लगा रखे हो उस पर आपको क्लिक चाहिए तो वो आप लगा सकते हो। तीसरे मोर मैसेजेस, आपको ज्यादा इनबॉक्स में मैसेज चाहिए, आपका कोई प्रोडक्ट वगैरह है या फिर आपका कोई सर्विस है तो वो आप यहाँ पर मोर मैसेजेस कर सकते हो। मैं रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ, आपको डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है स्पेसिफिक एड कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आप जो है कोई भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ऑटोमेटिक नहीं रखना है, क्रिएट योर ओनर के ऊपर क्लिक करो, देन यहाँ पर आपको ऑडियंस नेम दे देना है जो कि आप कुछ भी दे सकते हो, इंस्टाग्राम या फिर जो भी मतलब कुछ भी डाल सकते हो, आप अपना खुद का नेम भी दे सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लोकेशन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर आप जो है लोकल लोकेशन चूज करना चाहते हो, यानी कि आपके एरिया के जो अड़ोस पड़ोस के लोग है उतने लोगों को ही पास जाएगा एड आपका, तो आप वो लगा सकते हो। यहाँ पर किलोमीटर भी चूज कर सकते हो, यानी कि आपका करंट लोकेशन से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर तक जितने भी इंस्टाग्राम यूजर होंगे उनको ये ऐड दिखाई देगा, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो एज है वो चूज करना होगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 18 से 30 तक ही आप चूज करो, नहीं तो आपका पैसा वेस्ट होने वाला है। मेल या फिर फीमेल, आप सिर्फ मेल के पास सेंड करना चाहते हैं आपका ऐड दिखाना चाहते हैं या फिर फीमेल जो रखना चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट चूज कर लीजिए कि किस इंटरेस्ट के लोगों के पास आपका जाना चाहिए। जैसे कि मेरा टेक कैटेगरी है, मैं 60 सेकंड का टेक वीडियोस पोस्ट करता हूं, तो मैं यहाँ पर जो है टेक या इस टाइप की कैटेगरी, टेक्नोलॉजी टेक इस टाइप का चूज करूंगा। आपका रेसिपी, फूड, ब्लॉगिंग जो भी हो आपको कैटेगरी चूज कर लेना है, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि आप कैटेगरी चूज नहीं करोगे तो आलतू फालतू के लोगों के पास आपका ऐड जाएगा तो वहां पर आपका कोई इंप्रेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप कर लीजिए, देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बजट चूज करना होगा, जैसे कि ज्यादा आपका बजट है तो आप रख सकते हैं इतना, यानी कि ज्यादा लोगों को आपको रीच भी ज्यादा मिलेगी। यहाँ पर आप डे चूज कर सकते हो कि कितने डेज तक आपको प्रमोशन चलाना है, 4 डे 5 डे जितना ज्यादा रखोगे यहाँ पर आपको पेमेंट ज्यादा देना होगा। अगर लो में लो करना है तो 166 रुपए में एक दिन के लिए उसका आपको रीच मिलेगा 1600 से लेकर 4200 तक आपको रीच मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको जो है एड प्रीव्यू देखने को मिलेगा, यानी कि आपका एड किस टाइप से दिखेगा। तो मैं फीड पर क्लिक करता हूं तो फीड से मेरा कुछ इस तरीके से एड दिखेगा, स्पॉन्सर दिखा आ चुका है जैसे और लोगों का हमें दिखता है। एक्सप्लोरर पेज के अंदर किस टाइप से दिखेगा तो इस टाइप से दिखेगा। रील्स पर किस टाइप से दिखेगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, जैसे हम और लोगों के देखते हैं। अब सिंपली आपको जो है यहाँ पर देखना है सारा सब कुछ, आपको ओवरव्यू चेक कर लेना है कि आपने कोई गलती नहीं की ऑडियंस चूज करने में या फिर बजट चूज करने में या फिर पेमेंट तो आपने जो ऐड कर रखा होगा आ जाएगा। टोटल आपको यहाँ पर कुछ एस्टिमेट टैक्स देना पड़ेगा 30 रुपीज के करीब, देन अभी वैसे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, देन टोटल आपके 195 रुपीज स्पेंड हो गए एक दिन में। और मेरे एक वेबसाइट को मैंने लिंक पर किया था तो मुझे वेबसाइट पर अच्छा खासा ट्रैफिक मिला था। तो अगर आप ज्यादा बजट रखोगे तभी आपको बेनिफिट होगा, लो बजट में कोई ज्यादा बेनिफिट होता नहीं है, ठीक है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब फाइनली आपको बूस्ट रील के ऊपर क्लिक करना है, तो भाई आपने पेमेंट तो ऑलरेडी ऐड कर रखा है, बूस्ट रील पर क्लिक कर दो, जो आपका पेमेंट है वो यहां पर कट हो जाएगा। नाइस वर्क, योर एड हैज बीन सेंट फॉर रिव्यू, आपका जो है रिव्यू में जाएगा। इसमें जो है 24 आवर्स का टाइम लग सकता है, आप इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो योर प्रमोशन इज इन रिव्यू यहां पर लिखा आ चुका है, यानी कि मेरा प्रमोशन रिव्यू में गया है और मैंने तो कोई यहां पर जो है सब कुछ इसका फॉलो किया है, आपका कोई उल्टा फुल्टा पोस्ट नहीं होना चाहिए जो गाइडलाइंस को वॉयलेट करे, तो भाई आपका जो रिव्यू है वो यहां पर जो है सबमिट हो जाएगा, यानी कि इसको हरी झंडी मिल जाएगी, आपका एड स्टार्ट हो जाएगा। देन आप कैसे चेक करोगे, तो आपको करना क्या होगा, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, देन उसके बाद एड टूल का ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहां पर आपके जो एड होंगे वो सारे कुछ इस टाइप से देखने को मिलेंगे, कितने क्लिक मिले, क्या कुछ रहा, वो सब कुछ आप व्यू इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके सारा एनालिटिक वगैरह को चेक कर सकते हैं। तो यह था दोस्तों पूरा प्रोसेस, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, पूरा डिटेल में बताया है। अभी भी आपका कोई सवाल है, सुझाव, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, आप सबने वीडियो को यहां तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।